उत्तर प्रदेश एटीएस ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले जिस गिरोह का भंडाफोड़ किया है उसके तार गुरुग्राम से भी जुड़े हुए हैं। गिरोह ने साइबर सिटी गुरुग्राम के बाबूपुर गांव में एक युवक का धर्म परिवर्तन कराया। ये युवक मूक बधिर है और गुरुग्राम के मूक बधिर स्कूल में बचपन से पढ़ने जाता था, लेकिन उसके बाद युवक दिल्ली और नोएडा में मूक बधिर स्कूल में भी जाने लगा। इसके बाद युवक के परिजनों ने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। 17 फरवरी की सुबह उसने मतलब बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे ठीक है तो भाई तू ये खाना वाना खा ले और नहा ले। बोले ठीक है, पता नहीं उसके मन में क्या आया क्या नहीं, उसने अपना बैग उठाया और हमने पापा को बोला कि पापा इधर आओ, मैं ऐसे खड़ी होगी। ये पापा उसने मतलब अपना जो भी था वो एफिडेविट जो भी कुछ उन्होंने दिया था उसको, वो बोला ये कागज उसने उठा के ऐसे हाथ में रख दिया। रखने के बाद में फिर इन्होंने पढ़ा, वे ऐसे खड़े थे पढ़ते रहे। दूसरा पेज मैं बोली जी ये मतलब कहीं नौकरी लग गया है, मुझे पढ़ने दो इसे। जैसे इसने पढ़ा और उसमें पढ़ा कि भी मन्नू यादव का धर्म परिवर्तन हो चुका है, ये अब्दुल मलन वंश के नाम पढ़ा, ये मतलब इसको बेहोश हो गई है। तो उसी टाइम फिर इसको सर उसके पूछा उसको क्या बोला, अब तो मतलब मेरे को ठप्पा लग चुका है, अब मेरा कोई नहीं बदल सकता है। आपने मतलब मैंने आपको 2-3 बार कहा भी कि भाई मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म मेरे को अच्छा लगता है, आपने मेरे को बार बार रोका और फिर मैं क्या करता। फिर मेरे को आखिरी में उन्होंने जैसे मेरे को राय दी कि अपने घर को से नॉर्मल हो जाओ, अपने परिवार से अपने हिंदू धर्म की बातें करते रहो, फिर वो मतलब आप पे शक नहीं करेंगे। और जब आपको मतलब मेरे को ये बना के दे दिया तो मैंने आपको दिखा दिया। हमें सुबह 17 फरवरी को 9 बजे हमें पता लगा है वहाँ से आने के बाद। हाँ जी, अब तो वो मतलब कई महीने से पैंट को मोड़ भी रहा था, डैडी वगैरह भी रखने लग गया था, पैंट मोड़ता था, टोपी थी वो उसको उल्टी लगाता था। वैसे उसने कुछ नहीं करा लेकिन अब तो वो नमाज वाज वगैरह सारे काम कर रहा है। हमने उसके आगे बिल्कुल गोडे टेक दिए हैं कि भाई तुम घर में रहो, निवाज भी कर, हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मेरे पास तो रहो। बोले मैं तुम्हारे पास रहता हूँ मम्मी, मैं आपको प्यार करता हूँ, आपसे दूर नहीं हूँ बिल्कुल भी, नहीं मैं आपसे नहीं पापा, मैं भाई सबसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसको पसंद करता हूँ। दरअसल युवक के व्यवहार में अचानक बदलाव आया जिसे परिजनों ने देखा और महसूस किया। युवक हिंदू धर्म की जगह मुस्लिम धर्म को मानने लगा और नमाज पढ़ने लगा। परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मुस्लिम धर्म अपना चुका है। इसके बाद परिजनों ने युवक को घर से बाहर नहीं जाने दिया और उसे समझाया तो उस वक्त तो युवक दिखाने के लिए समझ गया, लेकिन फिर वह अपना सामान लेकर घर से निकल गया। वह कहां गया इसकी जानकारी उसके परिजनों को नहीं है। युवक की माँ की माने तो परिजनों को गुमराह करने के लिए युवक जब भी घर से निकलता तो माथे पर तिलक लगा लेता ताकि परिजनों को कोई शक न हो। और कुछ महीने बाद उसने परिजनों को बताया कि वह धर्म परिवर्तन कर चुका है और उसका एक एफिडेविट भी दिखाया। उसके बाद हमने 2 महीने उसको बिल्कुल घर में बंद कर दिया, उसका फोन उसी टाइम खोस लिया जिससे हमें ये उसका डाटा वगैरह मिलेगा, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपने बच्चे की वापसी किसी भी तरीके से हो जाए। और हम हर जगह गए, गुड़गांव वहाँ पुलिस के पास गए, डीसी के पास, कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर ने ये कहा जी, कमिश्नर ऑफिस में गया वहाँ जो लेडी पुलिस थी, आप मतलब तांत्रिक के पास जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप तांत्रिक के पास जाओ। हमें मतलब कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली। फिर हमने अब वीडियो बना के व्हाट्सएप वगैरह पे डाल ली है और तब यूपी पुलिस के पास वो पहुँचे। वहाँ से मतलब जब ये कार्रवाई इतनी हुई, अब हमें ये आश्वासन है कि हाँ हमारी मदद हो सकती है, मेरा बच्चा वापस आ सकता, मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा वापस आए। एक बार तो सर हमें 2017 में थोड़ा 2017-18 में डाउट हुआ थोड़ा सा, ये करने लग गया था कि सब कुछ एक है, अल्लाह एक है, हिंदू है, हमारे देवी देवता इतने हैं, तब थोड़ा सा वो हुआ था इसके ऊपर सत्ता, ये फिर मान गया कुछ नहीं, इसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। फिर उसके बाद में अभी पिछले साल 2020 के मई जून के अंदर इसने फिर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, फिर उसके बाद धमकाया तो फिर ये मान गया। मतलब यही एक्टिविटी मोमेंट की जो एक्टिविटी होती है, नमाज पढ़ना, ये कुछ ये मतलब चेंज शुरू कर दी थी, तो ये धमकाया फिर ये मान गया कि भाई ठीक है अब नहीं करवा। उसके बाद में फिर इसने क्या काम किया कि हमारे को इतना धोखे में रखा कि ये घर से मंदिर में तिलक लगा के वैसे जाने लग गया।
और फिर बाद में तकरीबन 6 महीने बाद एकदम से लेके लेटर आते हैं पकड़ा दिए कि मैंने ऐसे परिवर्तन कर लिया। 6 महीने कब आपके हाथ में लेटर आया? ये 17 फरवरी को सर, आज सुबह गया है वो, पहले तो 20-21 दिन में तो परसों आया था रात को, कल जा रहा था लेकिन जाने नहीं दिया, तो आज सुबह फिर वो 5:30 बजे चला गया। सामान लेके गया? नहीं, अपने कपड़े वगैरह लेके गया है, कुछ नहीं, ये बोला देखता हूँ कितने दिन में, उंगली के इशारे से बोल देता कितने दिन में आऊँ, कुछ पता नहीं अब कितने दिन में आएगा कुछ नहीं पता। सर शिकायत का हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है ना वापसी जैसा पहले था वैसा ही हो गया हमारे पास आ जाए, हमें इससे ज़्यादा हो गया अच्छा। ये हमारी सर गुहार तो लगावा कि भाई मेरा साथ दे, लेकिन अब तक तो साथ देने, अब तो साथ दे लो, जब दूसरा स्टेट साथ देने लग रहा है तो अपना स्टेट दे साथ देने में क्या दिक्कत आ रही है। नहीं ये नहीं कह सकता कहाँ पे हुआ है, लेकिन दिल्ली जो है ना ये जामिया में कन्वर्जन हुआ है, जो लेटर मिला है जामिया से मिला है, और जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं वो दिल्ली कोर्ट से कर रहे हैं, और एक दिल्ली से और यहाँ से और इधर से क्या नाम है अपना नू साइड से। युवक के पिता राजीव यादव की माने तो उसके पास पाकिस्तान से फोन आया और व्हाट्सएप पर कई बार मैसेज आए, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम जिला प्रशासन और पुलिस को इसके बारे में सूचित किया, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल सकी। परिजनों का आरोप है कि युवक को अच्छी नौकरी और अच्छी जगह सेटल करने के नाम पर उसे बरगला कर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। आपको बता दें कि मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 मौलानाओं को UP ATS ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। दोनों के नाम मौलाना जहांगीर और उमर गौतम है। उमर गौतम खुद धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना है। ATS अफसरों के मुताबिक यह गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते अभी तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में मूक बधिर और महिलाएं शामिल हैं। दोनों मौलाना इस्लामिक सेंटर के नाम से संस्था चलाते हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।